Welcome students, welcome to my classes. So today is the third day of your first chapter where we will be dealing with softwares. But before that, I would like to tell you something about computer system. आपको ध्यान होगा फर्स्ट डे मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था वो कैसे काम करता है. Now we why we call this computer system? Because the entire parts, when it is connected to each other through with the help of a cable or wire, we call the entire system as computer system. और ये हार्डवेयर है. आपको हमने बताया था कितने तरह के हार्डवेयर होते हैं, वो भी बताया था. उसके अंदर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस आपको बताया था आपने. आपको समझ में भी आया होगा. बट कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के डेड है. बिकॉज अगर हम सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम एज इट इज एज ए डेड मशीन की तरह रहेगा. सो द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर, द पार्ट्स दैट यू हैव सीन दैट यू कैन टच एंड फील, and the software which makes this computer work. Now, in the next slide, we will come to know the definition, what are software and what are the type of softwares. Let's go through it. The part of the computer that cannot be touched is called software. Every software performs a specific function. The tools you have learned so far, such as WordBar, TuxPaint, and MS Paint, are the example of software. Software can be installed or removed from a computer. A software is also constantly updated. So, आप इसे क्या समझे? Software is a type of computer program that cannot be touched, means आप उसको छू नहीं सकते, but उसके माध्यम से आप कुछ specific काम करते हैं या function करते हैं जो जैसे आपको जरूरत पड़ती है. जैसे यहाँ पर example दे रखा है वर्ड पैड, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं. नोट पैड की तरह वर्ड पैड पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं. टक्स पेंट इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर वे यू कैन पेंट. Another example of paint is MS Paint or Microsoft Paint. ये कुछ examples हैं software के. Software को computer में install करना पड़ता है. Software can be installed or removed from the computer. हम CD के माध्यम से या pen drive के माध्यम से software को computer में install करते हैं. कहाँ install होता है? वो कौन सा या तो यूएसबी केबल के माध्यम से करते हैं, नहीं तो आपने डीवीडी ड्राइव देखी हुई उसके अंदर हम डीवीडी डिस्क को करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? चेक दिस डायग्राम. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द अदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इधर हम पढ़ लेते हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, जिस तरह के काम करते हैं स्पेसिफिक, दो तरह के सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक बार हम पढ़ लेते हैं देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जैसे कि इसमें बताया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स को काम में लगाया जाता है. जैसे आप, मैं एक पिक्चर दिखाता हूं. फर्स्ट डे आपको ध्यान होगा मैंने कंप्यूटर कैबिनेट दिखाया था जिसके अंदर हमने पार्ट्स अलग अलग बताया था. SMPS, हार्ड डिस्क, DVD, ड्राइव, then graphics card, RAM, processor fan, processor, ये चीज बताए थे. ध्यान है आपको? तो these
internals devices that you are seeing on this particular computer भी motherboard का जो काम होता है वो तो voltage supply करना होता है, लेकिन operating system का जो काम होता है, जो जब हम software install करते हैं computer के DVD drive या CD drive में रखकर, तब वो क्या करता है, पहले तो ये हर parts को detect करता है कि इस computer cabinet में motherboard से कौन कौन से parts attach है, इसको चेक करके देखता है, फिर हर पार्ट्स को किस काम में लगाया जाता है वो इंस्ट्रक्शंस या कमांड इस कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है, क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ये जो आप लोगो देख रहे हो मेरे इस कंप्यूटर में विंडोज, ये विंडोज 10 का लोगो है, तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। हम और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लोगो देख लेंगे, ये लोगो आपको मालूम होगा किसका है, पॉपुलर लोगो है विंडोज 7 का। विंडोज एक कंपनी है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जिसके ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे उबंटू, लिनक्स, आपने एप्पल का नाम सुना होगा, आईफोन सुना होगा, सो ये मैक बोला जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। दिस इज अ एंड्रॉयड फोन, जो हम फोन यूज करते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड फोन का ये लोगो है। एंड दिस वन इज टक्स, अ वेरी पॉपुलर लोगो जो टक्स प्रिंट में भी आप देखते होंगे। दिस इज ऑल्सो लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। Let's come back to the topic. So, what is an operating system? System software ka pehla jo part hai, operating system. The operating system is a type of system software that runs the computer. Ye computer system ko chalata hai, uske upar baithta hai. Upar ek layer form karta hai. Jab hum koi software install karte hain, wo hardware ke upar ek apne instructions vagera form karta hai. और कंप्यूटर को चलाने में काम करता है। इट मैनेजेस ऑल इनपुट एंड आउटपुट टास्क, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को काम करने में हेल्प करता है। इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर। मान लीजिए मैंने माउस पे क्लिक किया और स्क्रीन में मैंने कुछ, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो इंस्ट्रक्शन अभी मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, यहाँ से मेरे माउस से सिग्नल सीपीयू पे जा रहा है, लेकिन सीपीयू पे वो वोल्टेज फॉर्म हुई, काम कैसे करवाया जाएगा। सीपीयू के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन फीड किए होते हैं और कंप्यूटर माउस के अंदर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसको ड्राइवर बोला जाता है, उसके माध्यम से हम कंप्यूटर काम करवाते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इन कामों को देखता है। So, a few popular operating system, जैसे मैंने अभी कुछ operating system के logos दिखाए थे, ये Windows 10 का logo, ये Linux, and obviously it is Mac operating system. Now let's move to the second topic, which is antivirus software. Antivirus बहुत ही सुना होगा, अलग अलग तरह के antivirus होते हैं, किस काम आते हैं, वायरस को किल करने के लिए काम आता है, लेकिन पहले हम पढ़ लें, what are antivirus software? What do the walls of your house do? They protect you from the outside world. Similarly, an antivirus software forms the protective wall of the computer. It protects the computer from any damage that can be caused by a computer virus. यहाँ एक example दिया गया है घर का, जैसे घर की दीवार हम क्यों बनाते हैं, ताकि बाहर का कोई आदमी या कोई जानवर या कुछ अंदर normally ना आ सके। दरवाजे रहते हैं, वॉल बना रही बाउंड्री के अंदर हम सेफ रह सके, कोई बाहर से जैसे हवा पानी और दूसरी चीजें नॉर्मली घर के अंदर इजीली एंटर ना करें, सो इट्स ए सेफ एरिया वेयर वी स्टे। सिमिलरली कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर प्रोग्राम डैमेज ना हो सके। सो दोज आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
few of the examples of antivirus software are AWS software, AVG software. ये दो popular antivirus हैं और भी काफ़ी antivirus हैं जैसे Kaspersky, जैसे QuickHeal, ये भी antivirus software हैं। हर antivirus software के अलग अलग features होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई भी मकान एक तरह के मकान नहीं होते, हर अलग अलग तरह के मकान होते हैं। वैसे हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग थोड़े स्पेसिफिक टास्क होते हैं, हालांकि नॉर्मली एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ टास्क थोड़ा सा एक दूसरे से हट होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा जो कंप्यूटर के पार्ट्स को लेकर ऑपरेट करते हैं, उनको हैंडल किया जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टास्क स्पेसिफिक प्रोग्राम। MS Paint, Task Paint, Word and Computer Games are all application software. जैसे अब यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया वो सिर्फ हार्डवेयर स्पेसिफिक था, मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर को लेके ही सोचता था, लेकिन वी ह्यूमंस व्हाट वी हैव अ टेंडेंसी, वी वॉन्ट टू मेक आवर जॉब ईजियर, तो हम अब मशीन को लेके हम नहीं सोचते, अब हम अपने काम को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वो जो काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम करते हैं। जैसे आपने MS Paint में काम किया होगा, सी द इट लुक्स लाइक द सिमिलर स्क्रीन ऑफ MS Paint, देन टेक्स्ट पेंट भी मेरी जूनियर क्लास में काम किया होगा, एंड वर्ड पैड जहाँ पर आपने कुछ टाइप किया होगा लाइक नेम ऑफ योर क्लास, स्कूल, योर नेम, योर हाउस एड्रेस, ये सब किया होगा ना। सो ये जितने प्रोग्राम्स हैं वो इसी एक पर्टिकुलर काम के लिए काम में लाया जाता है, जैसे पेंटिंग के लिए ये दो आपके सॉफ्टवेयर काम में लाया जाता है, और ये डॉक्यूमेंट टाइप के लिए वर्ड पैड काम में लाया जाता है। सो हियर कम्स एन एंड ऑफ योर चैप्टर 1। नाउ टुमारो I will try to give you some questions and based on these questions आपको खुद करने होंगे, give it a try। अभी तक जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने चैप्टर 1 के आपको दिखाए हैं उनके लिंक भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन, चेक बुक पेजेस दैट आई हैव शेयर्ड यू yesterday, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू to these checkpoints and challenge zone and identify the parts of these computer hardware. फिर आहिस्ता हम next जो हमारा exercise है question answers ये मैं करवाऊंगा, I will explain you and I will give you these question and answers. D part भी मैं ही आपको करवाऊंगा, I will try to solve this. Fill in the blanks आप अपनी तरह से खुद करेंगे. And let's practice, if we have time then definitely we will go ahead and do this task also. So I'm going to wrap up today's topic. See you tomorrow then. Till then practice and do your task, find some important points from my lecture and from the book pages that I shared with you. Bye bye students.